ओ माय गॉड। और यहाँ पे जी जी नाग नागिन जो है कि जोड़े में है और दो है या तीन है ये देखना होगा। और एक सांप यहाँ है और ओ तीन है, तीन है, तीन तीन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। और एक बार फिर मैं रमेश राज टकला वाला आप लोग को अपने YouTube चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर पे स्वागत करता हूं। और मुजफ्फरपुर से चलकर हम लोग यहां कौन गांव हो गया, मोरसंडी गांव आए हुए हैं। और इनके यहां कोई सांप है लेकिन पता नहीं कौन सांप है, विषैला है या विषहीन सांप है। चलिए सर्च कर देखते हैं और फटाफट अपने अंदाज में आप लोग को दिखाते हैं। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहे, वीडियो पसंद आए तो हमारा YouTube चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। चलिए आ जाइए आप जो, और चलिए आप बताइए कहाँ पे आप ही फोन किए थे ना? हाँ किधर? इसी में है, टोच रखो। अच्छा, इसमें ही है। जागरूक भी हो गए हैं और सांप को जो कि बचाने के लिए मुझे कॉल किया जाता है और हम लोग आते हैं और रेस्क्यू करते हैं उसको सही सलामत, जंगल में छोड़ देते हैं या फिर वन विभाग को हम लोग दे देते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए और आप लोग को बताते हैं कि आखिर कौन सा सांप है यहाँ पे। चलिए इसे भी पकड़िए और एक एक कर सारा सामान जब हम लोग हटाएंगे तब जाकर हम लोग को जो है कि सांप दिखेगा। अच्छा नहीं गया है तो आ गए हम, आपका टकला भाई, आपका टकला बेटा आ गया है। आप लोग को जो है कि सांप को निकाल कर आप लोगों से काफी दूर इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा या फिर वन विभाग को दे दिया जाएगा, लेकिन मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। और दोस्तों हम लोग काफी मेहनत करते हैं और दूर दूर जाते हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे मेहनत को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओ माय गॉड। और यहाँ पे जी जी नाग नागिन जो है कि जोड़े में है और दो है या तीन है ये देखना होगा। और एक सांप यहाँ है और एक यहीं पे है। चलिए ठीक है, और इस सांप जो है अस्थिर ऐसे अस्थिर रहने देते हैं। और इधर आइए, और बहुत ही लाजवाब। और ये इधर की ओर जो है आ रहा है और दो दो सांप है यहाँ पे, नाग नागिन जो है की है। और ये देखिए एक यहाँ जो है कि ये तो इसे हम लोग एक एक कर जो है कि दोनों सांप को हम लोग यहाँ से निकालेंगे। और ये जो चिल्ला जवाब और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग हल्ला न करें दोस्तों, ये गर्मी के समय ठंडक के समय में जो है कि ये सांप जो है कि चला गया था और ठंड के समय में यहाँ पे उपला था जिसको जो है कि इसमें गर्मी का एहसास होता है तो ये सांप इसमें जो है कि आकर छुप जाता है। और जैसे जैसे हटाइए इसे, जैसे जैसे गर्मी का धमक इसे मिलता है वैसे वैसे ये सांप जो है आना चालू कर देता है। हमने तो मार देती है ना निकालती है। अरे चुप रहो ना, ये देखें एकदम चलिए सारे सांपों को हम लोग जो है कि निकालते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं।
और एक सांप अभी यहीं पे है, उसे भी हम लोग जो है कि देखते हैं आखिर किधर गया है। ये वो उधर चले अल्लाह का ही तो भी ओ, तीन है, तीन है, तीन गो है, तीन तीन है यहाँ पे, वो यहाँ दो गो वहाँ तीन गो। हाँ ये हो गया और एक यहाँ है और इससे भी हम लोग हल्ला ना करें। आप लोग कृपया शांति बनाए रहे। और दोस्तों ये कभी कभार ही ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि एक ही जगह पे तीन तीन सांप, बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो आज देखने को मिलेगा। चलो ये चलिए, और एक ही जगह से जो है कितना सारा सांप। ओह माय गॉड, गजब का मंजर, और एक ही जगह पे तीनों सांप जो है। चलिए आप लोग दूरी बनाए रहे और धीरे धीरे जो है और एक ही जगह से जो है कि ये सारा सांप जो है कि निकला है। ये तीनों सांप जो है कि एक ही जगह पे था, और हो सके एक नर हो, दो नर हो और एक मादा हो, जिसके कारण मादा के कारण जो, और ये देखिए किस तरह से जो है कि बाइट करने के लिए एकदम आक्रामक मूड में, हमेशा जो एकदम मुंह खोले हुए हैं और एकदम कब जो है कि अटैक करे ये लाजवाब। और इस सारे सांपों को हम लोग जो है कि अब तीन तीन सांप है और डब्बा एक रखे हुए हैं, डब्बा तो बड़ा लगे। अब देखिए और तीन सांप को एक साथ संभालना जो है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये देखिए एक दूसरे जो है कि आपस में ही बाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को ये सांप को जो है ना कि देखिए किस तरह से अपने ही प्रजाति को बाइट किया, लेकिन इसे जो है किसे विष का जहर इसको नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों सांप जो है कि न्यूरोटॉक्सिन वाला ही है। अगर ये एक सांप न्यूरोटॉक्सिन रहता, एक सांप होमोटॉक्सिन जहर वाला रहता, तो अमूमन न्यूरोटॉक्सिन वाला जहर वाला सांप जो है कि मर जाता। इस यहाँ पे देखिए किस तरह से सांप ने बाइट किया और इसे जो है कि जख्मी कर दिया है, एक दूसरे को जो है कि जानी दुश्मन बन बैठे हैं, इसलिए ये सांप सबको जो है कि जितना नो, और जब तब जो है कि एक दूसरे को बाइट करने की कोशिश कर रहा है। और इस सांप में जो है कि बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो आदमी को काट ले तो दो घंटे के अंदर में मौत निश्चित है, लेकिन ये सांप जो है कि तीनों सांप जो है कि न्यूरोटॉक्सिन जहर वाला ही है, इसलिए इस पर जो है कि इसका असर नहीं होगा। लेकिन यही इंसान को, हम इंसान को काट ले तो मौत जो है कि एकदम निश्चित है।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक नाग दो नागिन भी हो सकता है या दो नाग एक नागिन भी हो सकता है। सांप को हम लोग फेस देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि सांप कौन नागिन है, कौन नर है या कौन मादा है। सांप को जो है एक अलग तरीके, हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। सांप को जो है किसे उसका लिंग पता करने का सांस्कृतिक परिधि होता है, उसी से जो है कि हम लोग उसका लिंग पता कर सकते हैं, अन्यथा उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। लाजवाब देख ले। चलिए अब सांप को जो है किसे कैसे हम लोग, एक डब्बा रहता तब तो हो जाता, ये तीनों सांप को पैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नहीं आप रख लीजिएगा तो दे देंगे, काम हो गया। सांप को हम एक सांप को छोड़ भी नहीं सकते हैं। और ढक्कन डालिए पहले, फिर आ रहा है। चलिए और सारा घर को सर्च कर लिया गया, तीन ही सांप था और यहाँ से हम लोग रेस्क्यू कर लिए। और इसको रेस्क्यू करने के बाद इसको सही सलामत जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि ये बेजुबा जीव है और हम इंसान को ही दया नाम की चीज होती है, इसलिए इसको बचाना भी हम लोग का ही जरूरी दायित्व बनता है, जरूरी भी है। चलिए वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।